दोस्तों, जो रूट एक ऐसे प्लेयर है जिनकी गिनती मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुल्तान में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 26 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट रावलपिंडी में 74 रनों से जीता था। 30 दिसंबर को 32 साल के होने जा रहे जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कुल 30 रन बनाए और 3 विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने के साथ 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे और इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बन गए। रूट की तुलना अक्सर विराट कोहली से होती है, लेकिन भारतीय दिग्गज के लिए भी इस रिकॉर्ड के पास पहुंचना काफी मुश्किल नजर आता है। विराट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए फिलहाल चटगांव में। विराट ही नहीं, टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी ऐसा करना असंभव लगता है। जो रूट ने मुल्तान टेस्ट की दूसरी पारी में यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने पाकिस्तान के फहीम अशरफ को 10 रन के निजी स्कोर पर आउट किया, जिसके साथ ही अपने टेस्ट करियर में 50 विकेट पूरे किए। अब उनके नाम टेस्ट में 10,000 से ज्यादा रन और 50 विकेट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ के नाम भी 10,000 टेस्ट रन और 50 से ज्यादा विकेट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।